दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया है, और यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वहाँ के मुस्लिम राम को मानते हैं। उनका कहना है कि भले ही हम इस्लाम धर्म को मानते हैं, लेकिन राम हमारा पूर्वज है। आज भी अगर इंडोनेशिया में रामलीला का पाठ होता है तो उसमें 90% पात्र मुस्लिम होते हैं। एक बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी ने पूछा उन सभी मुस्लिम रामायण के पात्र से कि आपको हनुमान बनने में, सीता बनने में, लक्ष्मण बनने में, राम बनने में कोई संकोच तो नहीं, तो उन मुस्लिम पात्र का क्या जवाब था, सुनिए सीएम योगी से। दुनिया के अंदर सबसे बड़ा मुस्लिम देश कोई है तो इंडोनेशिया है, और जितने भी रामायण के पात्र बने थे सभी के सभी मुस्लिम थे। मैंने उनसे चर्चा की, मैंने कहा क्या रामलीला में राम का पात्र बनने में, हनुमान जी बनने में, लक्ष्मण बनने में या सीता जी बनने में आपको संकोच नहीं? मैंने कहा देखिए, इस्लाम हमारी उपासना विधि है, लेकिन राम हमारी पूर्वज है। राम हमारे पूर्वज हैं, अपने पूर्वज के साथ संबंध कैसे हम विच्छेद कर सकते हैं? और वहाँ का राष्ट्रीय पर्व बन गया रामलीला। उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा देखिए बाबा, हमारे यहाँ नोट तो छपते हैं, ये नोट तो गणपति पर छपते, गणपति गणेश जी का नोट होता है हमारे यहाँ। भगवान विष्णु की सवारी को अपना नेशनल एयरलाइंस बनाया है, गरुड़ के नाम पर है। उन्होंने कहा उपासना बदलने से हमारे पूर्वज नहीं बदल जाते हैं, और इसलिए हम रामलीला का आयोजन उसी श्रद्धा भाव के साथ करते हैं जैसे आप लोग करते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और ऐसी और वीडियोस के लिए मुझे फॉलो और सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।